रहमतुल्लाहि व बरकातहू दिस इज़ डॉक्टर एहसान डी एच एम एस पहले 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 तो uh, मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर्स uh, मेरे फ्रेंड्स सबको बेस्ट विशेज़ मैं एक ऑडियो प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ जिसमें हम डिफरेंट डिजीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और हम इतना हैफ़ेजली नहीं पढ़ेंगे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ हम कोशिश करेंगे कि उसको इजी वे में एक्सप्लेन किया जाए तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है जो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरी दुनिया में फैला हुआ है तो दैट्स कैंसर तो क्वेश्चन आता है सबके माइंड में कि व्हाट इज़ कैंसर तो कैंसर uh, के जो लिटरल मीनिंग होते हैं आ, वो होते हैं क्रैप के केकड़े के जिस तरह uh, केकड़ा जो है अपने नीचे अपनी टांगों के नीचे जो भी uh, मिट्टी होती है उसको जगड़ के रखता है इसी तरह uh, जो है कैंसर भी जो है वो अपनी रूट्स की uh, की मदद से uh, उस एरिया को सराउंड कर लेता है uh, यहाँ तक कि uh, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं या जो सितारों की स्टडी करते हैं उन्होंने यहाँ तक एक जोटी एक साइन का नाम भी कैंसर रख दिया और जो है इसके अलावा हम ये सोचते हैं कि भाई हम मोस्टली शायद 1950 सौ पचास में हमने कैंसर का नाम सुना लेकिन कैंसर बहुत पुरानी बीमारी है जिसको हम इसको वर्ड्स में कहें तो इट्स अ वेरी एंशेंट डिजीज़ बहुत पुरानी बीमारी है और यहाँ तक कि सदियों पुरानी बीमारी है कि जो एंशंट इजिपशंस थे उनके अंदर भी ये बीमारी पाई जाती थी जो कि अप्रॉक्सीमेटली पाँच हज़ार साल पीछे थे देवर फाइव थाउजेंड ईयर्स अगो तो तब भी जो है कैंसर uh, मौजूद था uh, और उसका एक कोई भी कॉज uh, uh, अब तक पता नहीं चला ना उसका ट्रीटमेंट है और uh, अभी भी सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है जो आज से पाँच हज़ार साल पहले सिचुएशन थी और uh, जो ट्रीटमेंट के हिसाब से सिचुएशन ऑलमोस्ट सेम है लेकिन साइंटिस्ट ने एक चीज़ गौर की कि जैसे 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 वक्त गुज़रता गया तो मोरटेलिटी रेट जो है वो काफ़ी हद तक कम हो गया कैंसर का अब जो है साइंटिस्ट जो हैं वो काम कर रहे हैं आ, दो सेंचुरी से दो सदियों से काम कर रहे हैं कि इसके काज कॉज uh, को ढूंढ सकें uh, इसको किस तरह लिमिट कर सकें uh, लेकिन ऑलमोस्ट uh, सभी फेल हो गए इस मामले में बिकॉज डिफरेंट साइंटिस्ट है डिफरेंट ओपिनियंस एक होता है ना कि जैसे फ्रेंड्स के हर अपनी अपनी ओपिनियंस होती हैं इस तरह साइंटिस्ट की भी अपनी अपनी ओपिनियन होती है नहीं भाई मेरा जो है ऑब्जर्वेशन ज़्यादा अच्छी है मेरी ऑब्जर्वेशन एक्यूरेट जा रही है एंड दैट जिसकी वजह से इसका अब तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट निकल नहीं सका और आ, अब तक जो है फ़िलहाल बहुत सारी थ्योरीज़ दी गई हैं जिनमें से तो एक दो थ्योरीज मैं आपके साथ शेयर करूँगा ठीक है अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट साइंटिस्ट के हिसाब से तकरीबन 80 से पचासी परसेंट यानी 80 टू तो 85 फाइव परसेंट जो केस होते हैं आर बिकॉज ऑफ एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन स्पेशली केमिकल पोल्यूटेंट्स यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में एकदम से पोल्यूशन बढ़ा है और केमिकल्स हमारे हवा में शामिल हुए इसकी वजह से जो है 80 टू एटी परसेंट जो है इसमें ज़्यादती हुई है तो दिस इज़ नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू बर्न कोल और टू गो फॉर अ बारबेक्यू और एनीथिंग समथ लाइक दिस यहाँ तक कि जो मिल्स चल रही होती हैं उनसे जो धुआं निकल रहा होता है दैट्स केमिकल पॉल्यूटेंट और uh, जो कि कैंसर uh, की कैंसर uh, जैसी कंडीशन uh, में आपको uh, वो मुबला कर सकता है अच्छा पास्ट में जैसे मैंने कहा कि साइंटिस्ट ने आ, बहुत सारे वो एक्सपेरिमेंट्स किए तो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1911 1911 में और उनका नाम था आ, पेटन रोस पेटन रोस ने 1911 में एक्सपेरिमेंट किया और उन्होंने ये डिस्कवर किया कि कैंसर के, जो है वो मुर्गियों के अंदर जो कैंसर होता है वो एक वायरस की वजह से होता है लाइक उन्होंने बिल्कुल ही अलग थ्योरी दे दी उन्होंने तो कैंसर को हटा के बैक्टीरिया वायरस इन चीज़ों पे आ गए वो वायरस के वजह से होता है आ, और बकौल उनके कि ये वायरस जो है ये न्यूक्लियस के अंदर एंटर हो जाता है और न्यूक्लियस के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको डीएनए हम कहते हैं डीएनए के अंदर ये सी डी के फोर सी डी के फोर जीन नंबर है ये उसको ऑल्टर करना शुरू कर देता है और जिसकी वजह से डीएनए जो है वो कैंसर्स फॉर्म में चला जाता है और उन्होंने इसको नाम दिया मेलानोमा का ठीक है अच्छा एक और चीज़ मैं आपके uh, जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि ये तो इस टॉपिक से रिलेटेड नहीं है अभी फ़िलहाल लेकिन ये कि आपको कभी भी कोई कंडीशन आप कहीं रिपोर्ट देखते हैं आप कोई भी बुक पढ़ते हैं जिस वर्ड के एंड पे ओमा होगा ओ एम ए दैट मीन्स इट्स कैंसर और कैंसर जो है वो बिनाइन भी हो सकता है वो मेलिग्नेंट भी हो सकता है बिनाइन कैंसर वो होते हैं जो कैप्सूल के अंदर रहते हैं वो स्प्रेड नहीं करते ठीक है और इसकी एग्जांपल है लाइपोमास हमारी बॉडी में लैपोमास बनते हैं वो स्प्रेड नहीं करते बिकॉज दे आर बिनाइन ट्यूमर्स फिर उसके बाद आ जाते हैं uh, ठीक है जो हमारे तिल होते हैं हमारे बॉडी के ऊपर तो वो भी बिनाइन कैंसर होते हैं मेलिग्नेंट कैंसर जो एक जगह से स्प्रेड करके लिम्फ नोड्स के थ्रू वो दूसरे पार्ट्स में जब चला जाए तो दैट्स देन दैट काइंड ऑफ कैंसर इज कॉल्ड मेलेग्नेट कैंसर और मेलेग्नेट कैंसर बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है बिनाइन कैंसर जो है आ, अच्छा बिनाइन कैंसर जो है वो भी कुछ कंडीशंस में वो मेलेग्नेट कैंसर के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो सकता है किसी इंजरी की वजह से सपोज लैपोमाप्चर हुआ और उसके अंदर के जो आ, आ, लिपिड्स हैं ठीक है और फैटी फैटी एसिड है वो स्प्रेड करके बॉडी के अंदर तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ वन एग्जांपल ऑफ बिनाइन ट्यूमर टर्निंग इनटू मेलेग्नेंट वन ठीक है फिर अच्छा खैर हम uh, बात कर रहे थे uh, पेटन रोस की कि उन्होंने जो मुर्गियों में कैंसर देखा उनको ऐसा लगेगा कि वायरस की वजह से हो रहा है फिर uh, जो है आ, हुआ यह कि फिर ब्रिटिश साइंटिस्ट ने आ, रिसर्च की और उन्होंने ये कहा कि जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है जो दुनिया में ग्रेजुअली बढ़ रही है ऐसे सब बढ़ रही है डेली बेसिस के ऊपर ठीक है और वो वो आ, जो है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कैंसर कॉज करने में और जो है वनरेबल कंडीशन तक ले जाता है वो कैंसर को ठीक है साइंटिस्ट अभी तक जो है वो प्रूफ नहीं कर सके वट इज़ द एक्चुअल कॉज ऑफ कैंसर वेदर इट इज़ पैथोलॉजिकल चेंजेस ठीक है या तो पैथोलॉजिकल पैथोलॉजिकल चेंजेस तो डेफिनेटली होना शुरू हो जाएंगे लेकिन उनको ये नहीं पता अब तक वो इस चीज तक नहीं पहुँचे कि किस वजह से हो रहे हैं आ, और उसके अलावा बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं आ, आ, जो कैंसर कॉज करने में रिस्पॉन्सिबल हैं आ, जो हम इन नेक्स्ट जो हमारा वो होगा लेक्चर हम उसमें डिस्कस करेंगे और हम कैंसर स्टडी करेंगे और उसके बाद हम किसी और टॉपिक के ऊपर जाएंगे तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं और जो है आई डेफिनेटली ट्राई टू आंसर यू क्वेश्चन एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल खुश रहिए हंसते मुस्कुराते रहिए और एक दूसरे पर भरोसा कीजिए ठीक है किसी पर ब्लेम मत लगाइए और हमेशा खुश रहिए बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया love uh, is one more thing family friends and fans uh, colleagues uh, don't forget to like subscribe share and kindly hit the bell icon so you can uh, uh, you don't miss my future posts thanks a lot thanks for watching